तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल टू से एग्जाम्पल फोर. इस बार हम देखेंगे तीन स्टेटमेंट्स है, राइट, तीन स्टेटमेंट्स और सिर्फ दो कंक्लूजन्स. तब से हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन दिए थे, लेकिन इस बार तीन स्टेटमेंट्स. और चाहे जैसे मैंने पहले बताया, कितने भी स्टेटमेंट्स और कितने भी कंक्लूजन हो, मेथड सेम रहेगा. वेन डायग्राम्स ड्रॉ करना है और वेरीफाई करना है. तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है. ऑल एनर्जीज आर फोर्सेस, कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑल एनर्जीज आर फोर्सेस, बहुत ही बेसिक पॉइंट है. नो फोर्स इज ए टॉर्क, यानी फोर्स और टॉर्क के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं. और थर्ड स्टेटमेंट है ऑल टॉर्क्स आर पावर, ऑल द टॉर्क्स आर पावर, सो यानी सारे टॉर्क्स पावर के अंदर आएंगे, राइट. और क्योंकि हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ओवरलैपिंग को मिनिमम रखना है, या चाहे हम पावर्स को बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. तो ये हो गया बेसिक डायग्राम. अब देखते हैं क्या कंक्लूजन दिए गए. फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल एनर्जीज बींग पावर इज ए पॉसिबिलिटी. ऑल एनर्जीज बींग पावर, यानी सारे एनर्जीज पावर्स हो सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है, और हमें चेक करना है, राइट, ये पॉसिबल है या नहीं. अब बेसिक डायग्राम में अगर आप देखें तो पॉसिबल नहीं है. ऑल एनर्जीज आर पावर्स, एनर्जीज और पावर्स की कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए बेसिक डायग्राम में तो ये पॉसिबल नहीं है. तो बेसिक डायग्राम में रॉन्ग हो जाएगा. लेकिन बेसिक डायग्राम में रॉन्ग हो, इसका मतलब इसे हम रॉन्ग नहीं मार्क करेंगे. पॉसिबिलिटी है ना, किसी भी एक डायग्राम में प्रूफ कर सकते हैं. तो ये तो हो गया बेसिक डायग्राम. अब चलिए एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सी, स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, ऑल टॉर्क्स आर पावर्स. ऑल टॉर्क्स आर पावर्स, हमने पावर्स को ऐसे ड्रॉ किया, लेकिन पावर्स को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. पी टू मान लेते हैं, ये एक पॉसिबल डायग्राम है पावर्स का. यहां पर भी अगर आप देखें, सारे टॉर्क्स पावर के अंदर है. All talks are powers. हमने statements को violate नहीं किया, right? All talks are powers. अब अगर आप possible diagram दें, possible diagram को consider करें, क्या conclusion दिया है? All energies are powers. Yes. सारे energies अगर आप देखें, powers के अंदर है. Yes ना? सारी की सारी energies powers के अंदर आ गई है. Yes ना? तो ये possible है. बेसिक डायग्राम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक डायग्राम है जिसमें ये पॉसिबल है, इसीलिए इसे करेक्ट मानेंगे. सिर्फ एक ही डायग्राम हमें प्रूफ करना है, राइट, इसके लिए तीन चार पांच डायग्राम नहीं चाहिए. एक और एक ही डायग्राम अगर कर सकते हैं तो ये सही माना जाएगा, अदरवाइज इसे हम रॉन्ग मार्क करेंगे. तो फर्स्ट वाला तो हो गया. अब देखते हैं सेकेंड वन, ऑल पावर्स बींग फोर्सेस इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल पावर्स बींग फोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे पावर्स फोर्स होने चाहिए, सारे के सारे पावर्स फोर्स होने चाहिए. अब अगर आप ध्यान दें बेसिक डायग्राम पे, दो डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं, तो दोनों को कंसीडर करते हैं, राइट. सबसे पहले बेसिक डायग्राम ले लेते हैं, P1. क्या करना है हमें प्रूफ, सारे पावर्स फोर्स होने चाहिए, ऑल पावर्स आर फोर्स. ये कब होगा, अगर सारे के सारे पावर्स फोर्स के अंदर हम ड्रॉ करें. लेकिन क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं इस बार, राइट. बेसिक डायग्राम कंसीडर करें. सी, अगर ये P1 को, सारे के सारे P1 को हमें अंदर ले जाना हो, फोर्स के अंदर ले जाना हो, बेसिक सा पॉइंट है, राइट. सारे पावर्स को अगर हम इसके अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, टॉर्क्स भी अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे टॉर्क्स पावर है. ऑल टॉर्क्स आर पावर्स, ऑल टॉर्क्स आर पावर्स, यानी अगर हम P1 कंप्लीट P1 को फोर्स के अंदर ले जाते हैं तो टॉर्क्स भी फोर्स के अंदर चले जाएंगे. लेकिन क्लियरली दिया गया कि फोर्स और टॉर्क के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, फोर्स और टॉर्क एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है, अगर P1 अंदर जाएगा तो टॉर्क भी अंदर जाएगा, अगर टॉर्क अंदर जाएगा तो टॉर्क और फोर्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है. बेसिक डायग्राम में तो पॉसिबल नहीं है. अब बेसिक डायग्राम में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, शायद कोई और डायग्राम में पॉसिबल हो. चेक कर लेते हैं, P2 वो ले लेते हैं जो P2 हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, पावर्स 2. अब अगर देखें यहां पर तो P2 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, ऑल पावर्स बीइंग फोर्स इज पॉसिबल. अब सारे पावर्स अगर फोर्स के अंदर जाएंगे तो सारे टॉर्क्स भी अंदर जाएंगे, यस नो. लेकिन फिर से वही आर्ग्यूमेंट है कि टॉर्क्स फोर्स के अंदर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि नो फोर्स इज ए टॉर्क. तो पॉइंट ये बनता है कि चाहे आप कोई भी पॉसिबल डायग्राम बना ले, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर पावर्स को फोर्स के अंदर जाना हो तो टॉर्क्स भी फोर्स के अंदर जाएंगे. क्यों टॉर्क्स फोर्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सारे टॉर्क्स पावर्स हैं, सारे टॉर्क्स पावर्स के अंदर बैठे हैं. अगर पावर्स को इससे मिलना हो तो टॉर्क्स को भी जाके मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर्स के साथ साथ जाएंगे. लेकिन अगर ये साथ साथ जाएंगे तो नो फोर्स इज ए टॉर्क वॉयलेट हो जाएगा, और अगर ये वॉयलेट हो जाता है तो ये केस रॉन्ग माना जाएगा. तो चाहे आप कोई भी पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर लें, आपको यही मालूम पड़ेगा कि ऑल पावर्स बीइंग फोर्स इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे हम रॉन्ग मार्क करेंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, सिर्फ पहली पॉसिबिलिटी ही सही है, दूसरी जो पॉसिबिलिटी दी गई है ये नहीं हो सकती है. तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस.